दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका कोई टाइम पास इसमें नहीं होने वाला। क्योंकि हम लाते हैं वीडियो कैसे आप पैसा कमा पाएंगे, कैसे आप आईटी सेक्टर से पैसा कमा पाएंगे, कैसे लो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न पा पाएंगे, कैसे आप अगर हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या कोई काम करते हैं, काम करते हुए भी कैसे आप पैसा कमा पाएंगे, उसकी जानकारी हम लेके आते हैं दोस्तों। क्योंकि दुनिया में, लाइफ में पैसे की अहमियत बहुत बड़ी है दोस्तों। मैं बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। अब शेयर मार्केट का नाम सुनते ही कहीं आप भी वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पर एक संस्कर चंदन नाम का लड़का दिखाई दे रहा होगा, जो सिर्फ 23 साल का लड़का था। उसने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अन्न की कमाई स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से कमाया है दोस्तों। जो मैं आइडिया लाता हूँ, मैं खुद भी ट्रायल सबसे पहले करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों से जानकारी लेता हूँ जो फेलियर है, फिर मैं उनसे जानकारी लेता हूँ जो सक्सेस है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जब आप फेलियर होते हैं तो डरिए मत, क्योंकि आप कुछ सीखते हैं दोस्तों। तो उसी सीख के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी आपको नहीं है और आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि 100% में 70% आपको हारने का चांस है, आप 70% हार सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको जानकारी अच्छे से हो कि शेयर मार्केट होता कैसे है, काम कैसे करता है, तो आप 100% मतलब 100 में नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक तरह का आप समझ लीजिए इसमें हारना जीतना लगा रहता है, तो 100% बोलना गलत होगा मेरा। कम से कम आप 70% जीतने के हकदार हो जाते हैं पूरी जानकारी होने के बाद दोस्तों। ये लड़का 23 साल का था, मैंने इसका पूरा केस स्टडी किया, इसने कैसे कैसे कहां कहां पैसे इन्वेस्ट किए, तब जाके मैं पूरी जानकारी ले पाया दोस्तों, और मैंने पैसा इन्वेस्ट भी किया। अगर दोस्तों एक मैं अहम बात आपसे बोलना चाहता हूँ, जो मुख्य बात है, अगर आप मिडिल क्लास के हैं ना, तो ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। कम से कम आपको हफ्ते में हरी सब्जी खाने के फ्री के पैसे मिल जाएंगे दोस्तों। मैं ये नहीं, जहाँ से दोस्तों 1 रुपया आया है, कल वहाँ से 100 रुपये भी आ सकता है। अगर जहाँ से 100 रुपये आया है, तो कल वहाँ से 1,00,000 रुपये भी आ सकता है दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को देख कर और समझ कर शेयर मार्केट से सिर्फ 1 रुपया कमाया है, तो कल आप 100 रुपये भी कमा सकते हैं। 100 रुपये कमाया है तो पक्का है कि आप 1,00,000 रुपये भी कमा सकते हैं दोस्तों। जिस तरह एक लड़का, 23 साल का लड़का पैसे कमा सकता है, सोचिए दोस्तों उसके दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या दिमाग को लगाया होगा, तब जाके उसने कमाया होगा। हम ऊंचाइयों को देख लेते हैं, सक्सेस को देख लेते हैं, लेकिन पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाते। लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं पीछे के उसके बैकग्राउंड को चेक करता हूँ, आखिर उसने कैसे उस जगह को पहुँचा, कैसे सक्सेस प्राप्त किया। क्योंकि जब भी आप सक्सेस के लिए निकलते हैं, मंजिल की तरफ चलते हैं, कांटे, फूल, पत्थर रास्ते में आते हैं जो आपके पैरों में चुभते हैं, इसी तरह जब आप सक्सेस के लिए निकलते हैं तो बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं दोस्तों। उन कठिनाइयों को आप कैसे पार करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ से अगर आपने मेरा वीडियो देखकर हफ्ते के 500 रुपये भी आप आराम से कमा लेंगे। मेरी बात समझिए, पूरे वीडियो में मैंने शेयर मार्केट का इतना डीपली डिटेल निकाला है कि आप आराम से 500 रुपये कमा सकते हैं दोस्तों, हफ्ते का 500 रुपये। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हफ्ते का 500 रुपये निकाला है, आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं इन टॉपिक को कवर करूँगा, आप पूरा शेयर मार्केट को समझो कि शेयर मार्केट है क्या। जब तक आप नहीं समझोगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रेटेजी है, आप बोल सकते हैं जैसे महाभारत में चक्रव्यूह था, उस तरह का स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ टॉपिक टू टॉपिक समझाने की कोशिश। तो मैं ये नहीं बोलता कि 1-2 लाख रुपए आप कमाएंगे दोस्तों, मैं बोलता हूँ
आप हफ्ते में 500 रुपये भी कमा लिए अगर दिमाग से सारा काम करते हुए, तो कौन छोटी बात ये नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों मैं पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट ये है मेरा कि अगर आप दोस्तों, मैंने 5 पॉइंट कवर किए हैं। सबसे पहला है कि शेयर क्या होता है, दूसरा पॉइंट है कि NSE BSE क्या होता है, और तीसरा मेरा पॉइंट है कि जो आपका शेयर की कीमत है, जो शेयर का प्राइस है, वो कैसे घटता है बढ़ता है, क्यों उसका प्राइस कभी कम रहता है, क्यों उसका प्राइस कभी ज़्यादा रहता है। चौथा पॉइंट है कि मैं क्या स्ट्रेटजी लगाता हूँ कि मैं उससे पैसे कमा सकूँ। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे मैं पैसा वहाँ से अर्न करता हूँ। तो क्या स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ, मतलब क्या चीज़ मैं कब क्या सोचता हूँ, कैसे ढूंढता हूँ शेयर को, वो सारा चीज़ मैं मॉनिटर स्क्रीन पे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शेयर कब खरीदे, कौन सा शेयर कब खरीदे और कब उस शेयर को बेच दे, ये पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। शेयर क्या होता है मैं छोटे भाषा में और छोटे शब्द में आपको बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके दोस्तों। दोस्तों शेयर का मतलब ये होता है हिंदी में हिस्सा। बड़ी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मान लीजिए एक मारुति कंपनी है, उसे 200-300 गाड़ी बनाने का ऑर्डर मिल गया, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है उस कंपनी को, हिंदी में कहे तो निवेश करना है। तो वो पैसे कहाँ से लाती है, वो पैसे यही शेयर मार्केट से लाती है। और वो पैसे देता कौन है, अब वो शेयर निकाल देती है, उस शेयर निकालती है उसी मात्रा को देखकर शेयर निकालती है। अब दोस्तों जो शेयर और आपके बीच में, कंपनी और आपके बीच में जो शेयर काम करता है, वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये डिसाइड करता है कि किस कंपनी के पास कितना शेयर है और कितना इन्वेस्टमेंट है, सारा वो डिसाइड करता है। उसके बाद वो शेयर बनता है जिससे आप खरीदते हैं और जिससे कंपनी में निवेश मिलता है, बात समझिएगा। तो इसे हम शेयर कहते हैं, मैंने संक्षिप्त में बताया दोस्त कि इसे शेयर कहते हैं। तो ये हो गया शेयर का डेफिनेशन। दोस्तों NSE और BSE क्या होता है, ये सेकेंड पॉइंट है जिसे हम कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो इतना लंबा हो चुका है दोस्तों कि मैं आगे की जानकारी सेकेंड पार्ट वीडियो जो आपको देख रहा होगा मैंने इसमें दिया है दोस्तों। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने सेकेंड पार्ट में ही बताया है कि स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है आपको पैसे कमाने के लिए, क्या सोच रखना है, क्या सर्च करना है, कैसे आप ढूंढेंगे। दोस्तों इतना सिंपल है ना कि सिर्फ एक बार समझना है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब एक बार समझेंगे पूरी लाइफ इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। तो इस जानकारी के लिए सेकेंड पार्ट वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों।